रांची में एक शाम युवाओं के नाम कार्यक्रम का भव्य आयोजन, आज वृक्षारोपण कर कार्यक्रम की शुरुआत। कार्यक्रम के दौरान रक्तदान शिविर का भी आयोजन, पंडित विजय शंकर मेहता दिखाएंगे युवाओं को जिंदगी की राह। पीएम मोदी के कोलकाता दौरे का दूसरा दिन, बेलूर मठ में कार्यक्रम को किया संबोधित। बेलूर मठ में छात्रों को संबोधित करते हुए बोले प्रधानमंत्री मोदी, बेलूर मठ से ही मुझे जन सेवा और प्रभु सेवा का रास्ता मिला। गृह मंत्री अमित शाह का जबलपुर दौरा आज, नागरिकता संशोधन कानून अवेयरनेस कार्यक्रम में किया शिरकत। स्वामी विवेकानंद की जयंती आज, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति समेत प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। दिल्ली में आज बीजेपी कोर कमेटी की बैठक, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा। जम्मू कश्मीर के त्राल में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने दो आतंकियों को किया ढेर। ममता बनर्जी पर पीएम मोदी का वार, बोले कुछ लोग जानबूझकर नागरिकता संशोधन कानून समझना नहीं चाहते हैं। कोलकाता में बोली ममता बनर्जी, मेरी लाश के ऊपर से लाना होगा एनआरसी और नागरिकता संशोधन कानून। आर्मी चीफ नरवणे का दावा, नहीं होगी ईरान जैसी गलती, भारत ने उठाए सही कदम। लखनऊ में 23वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आगाज, सीएम योगी ने किया 5 दिवसीय युवा महोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन। गंगा यात्रा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने की बैठक, 27 से 31 जनवरी तक होगा गंगा यात्रा का आयोजन। योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रदेश में गंगा यात्रा के साथ चलेगा अर्थ गंगा अभियान। महाराष्ट्र के पालघर की केमिकल फैक्ट्री में आग, 7 लोगों की हुई मौत। झारखंड के पालमू जिले में 5 नक्सलियों ने किया सरेंडर। आज गोवा बीजेपी के नए अध्यक्ष का हुआ ऐलान, बीजेपी के गोवा इकाई के प्रमुख बने सदानंद तनावरे। जेएनयू हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 9 छात्रों की पहचान, सोमवार से दिल्ली पुलिस करेगी पूछताछ। शंघाई सहयोग संगठन के सेक्रेटरी जनरल व्लादिमीर नोरो 4 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे। हिमाचल प्रदेश में भूकंप के झटके, तीव्रता 3.4, किसी के हताहत की कोई खबर नहीं। लद्दाख में महसूस किए गए भूकंप के झटके, तीव्रता 5.3 रहा। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, कई मैदानी इलाकों में बारिश का पूर्वानुमान। दिल्ली NCR में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब श्रेणी में हुआ दर्ज। दिल्ली में लगभग 1 सप्ताह हो सकती है रुक रुक कर बारिश, प्रदूषण से मिलेगी बड़ी राहत। महिला T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान, हरमनप्रीत को कमान। न्यूजीलैंड दौरे के लिए आज होगा टीम इंडिया का ऐलान। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल पर्यावरण पोस्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।